कर्जे से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा कर्जा लग गया है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, संघर्ष किया, फिर भी कर्जे से मुक्ति नहीं मिल रहा है। देखिए, अगर अपने ऊपर कर्जे हो तो हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, कैसे कर्जा को चुकाएं, एक के बाद एक, एक के बाद एक कर्जा लग रहा है। कर्जा से मुक्ति कैसे मिलेगा, हम लोग सोचते हैं, अत्यंत दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे में एक उपाय अत्यंत फलदायक है, भोले बाबा हर एक चीज़ को, आपके हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, कर्जा से मुक्ति पाने के लिए बटका वृक्ष का विशेष महत्व बताया गया। बटका जो वृक्ष है, बट वृक्ष के नीचे बटकेश्वर महादेव के नाम से आप ये उपाय अवश्य करिएगा। बटकेश्वर महादेव के नाम से आप एक लोटा जल लेकर के जाएं और उस जल में थोड़ा सा पिसा हुआ चावल मिला दें और थोड़ा सा पिसा हुआ हल्दी मिला दें। जल में पिसा हुआ चावल थोड़ा सा और थोड़ा सा हल्दी मिला दें और उसके बाद में भगवान बटकेश्वर को याद करके, स्मरण करके बट के वृक्ष के नीचे वो जल चढ़ा दीजिए। ये कब तक करना है? 3 सोमवार हमें करना है। 3 सोमवार एक ही वृक्ष के नीचे, ऐसा नहीं कि आपने एक सोमवार एक वृक्ष के नीचे किया, दूसरे सोमवार दूसरे वृक्ष के नीचे किया, ऐसा करने से आपको फल नहीं मिलेगा। एक ही वृक्ष के नीचे 3 सोमवार तक आपको बटकेश्वर महादेव के याद करके नाम से अगर आप जल चढ़ाते हैं और उसके बाद में उस वृक्ष के, बट के वृक्ष के जड़ को थोड़ा सा लेकर के आएं, 3 सोमवार जैसे पूरा हो जाए तो उसके बाद में बट वृक्ष के जड़ के थोड़ा सा लकड़ी को तोड़ करके लाइए, वो लकड़ी घर में लेकर के आएं और उसके बाद में उस लकड़ी को, उस जड़ को धागे में बांध करके आप अपने घर में रख दीजिए या फिर अपने जेब में रख लीजिए, पूजा मंदिर में रख लीजिए। आपके ऊपर कर्जे बहुत ज़्यादा हो गए, कर्जा उतर नहीं रहा, आपने ऐसा किया और उस जड़ को 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने अपने घर में रखे रहने दीजिए। फिर उसके बाद में धीरे 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 जिस प्रकार बट के जो वृक्ष होता है उसका जड़ किस प्रकार फैलता हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, धूप हो, चाहे बारिश हो, जिस प्रकार से बट के वृक्ष फैलता है उसी प्रकार धन को भी हमारे घर में लाने का काम, लक्ष्मी को घर में खींचने का काम वो एक उपाय बट वृक्ष के जड़ करता है। इसलिए ये काम आप करिएगा, धीरे धीरे आपको स्वयं समझ में आएगा लक्ष्मी के आगमन घर में हो रहा है। आपके घर में लक्ष्मी तो आती है, रुकती नहीं, जितना कमाते हो उससे ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, तो लक्ष्मी जी घर में आने लगेंगी, धन की वर्षा होगी और धीरे धीरे कर्जे से आपको मुक्ति मिलेगी। ये उपाय अवश्य करके देखिएगा, आपको कर्जे से अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगा। प्यार से बोल।